This 11th question, it is given an article was purchased for rupees 1000 to 1239 including a GST of 18%. ओके मतलब जो आर्टिकल हमने खरीदा है, अब जीएसटी क्या है, मॉडर्न टैक्स का सिस्टम है जीएसटी का, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे जो भी आपका अमाउंट सामान का अमाउंट होता है उस पर एक फिक्स्ड रेशियो का टैक्स लगता है, दैट इज जीएसटी। तो ये बोल रहे हैं कि एक आर्टिकल वॉज परचेस्ड फॉर रुपीज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%, मतलब 18% उस आर्टिकल का जो जीएसटी टैक्स है वो इस कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है, इसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी, जीएसटी के पहले वाली प्राइस पता लगाएं। तो इसमें हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए बेटा कि जीएसटी के पहले वाली प्राइस होगी तो मतलब जिसमें से ये 18% माइनस हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में मांग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या आएगी, कम, क्लियर। मतलब पहले जो ऑब्जेक्ट है कोई हमारा कोई भी सामान है उसके ऊपर कुछ प्राइस लिखा हुआ है, फिर इसके ऊपर कुछ जीएसटी लग जाएगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्लियर। तो ये वाले क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा डिफरेंटली सोचेंगे, हम ये दिमाग में रखेंगे कि जो हमारा मांग प्राइस है वो छोटा आएगा और सेलिंग प्राइस बढ़ आएगा, क्यों, क्योंकि मांग प्राइस के ऊपर कुछ परसेंट जीएसटी ऐड हुआ है, फिर दोनों को टोटल करके वी गॉट द सेलिंग प्राइस, जिसमें वो सामान हम सेल करता है शॉपकीपर, या कह लें कि हम वो सामान परचेस करते हैं। तो हियर आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1239, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इंक्लूडिंग जीएसटी। ये थोड़ा सा अलग सोचेंगे अपन क्वेश्चन, जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन करें अभी तक उससे डिफरेंट, बिकॉज इट इज टैक्स सिस्टम पे बेस्ड है, ओके, न्यू टैक्स पैटर्न जीएसटी। आपने सब पेरेंट्स के मुंह से मेनी टाइम यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड ना, होटल में खाना खाने जाते हैं या कुछ परचेस करने जाते हैं तो जीएसटी इज अ न्यू टैक्स अप्लाइड नाउ, सारे सेल्स टैक्स वेट टैक्स सब कैंसिल करके नाउ वी आर हैविंग अ कॉमन टैक्स सिस्टम दैट इज जीएसटी। तो जीएसटी 18% है तो हम इसको फॉर्मूले को हमने उसी से कन्वर्ट करा है, मार्केट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन में 100 प्लस, यहाँ पे हमने लिख दिया है जीएसटी, क्यों प्लस जीएसटी, क्यों, क्योंकि जीएसटी ऐड होने के बाद उस जो ऑब्जेक्ट या जो भी सामान है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, दैट्स वाई वी आर एडिंग जीएसटी। ओके आई होप फॉर्मूला इज क्लियर। तो वंस फॉर्मूला इज रिटर्न हम उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो सेलिंग प्राइस हमने पुट कर दी 1239 की एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन इट केम एज 100 प्लस 18 कहाँ से आया, जीएसटी परसेंट में, तो इट इज 18%। ओके पहले ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 118 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, रिलैक्स होके कूल हेडेडली डिवाइड इन द रफ कॉलम एंड यू विल गेट द आंसर इज 1050. Then last line you will be writing, thus the price of the article before GST was added, GST add करने से पहले the price of that article was rupees 1050. Clear?